नमस्कार दोस्तों, ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जो आंगन पट्टी होती है जिससे आंगन ढका जाता है, उसके ऊपर मैं फाइबर लगाने वाला व्यवस्था कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जो आंगन की पट्टी होती है उसमें जो फाइबर लगाया जाता है वो अक्सर जो है कि सरफेस पर लगाया जाता है, मतलब जो आंगन पट्टी आप लोग देख रहे हैं मतलब उसी पर जैसे चिपकाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि जब वो आंगन का पट्टी बनवाते हैं तो आंगन में जो है कि हवा जैसे कि क्रॉस कर सके, उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो फाइबर होता है उसे थोड़ा सा ऊपर, या तो 6 इंची, कुछ लोग 8 इंची, कुछ लोग 10 इंची, कुछ लोग 1 फीट, कुछ लोग 1.5 फीट भी, मतलब जैसे कि ऊपर फाइबर को छज्जा नुमा जैसे कि कसवा देते हैं ताकि जो है कि पानी जो है कि अंदर ना जाए और साथ ही साथ इसमें जो है कि हवा जैसे क्रॉस होता रहे। तो दोस्तों, उसी का व्यवस्था जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जो कि एक क्लाइंट का उसी तरह से करना है जैसा कि मैंने कहा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आंगन की पट्टी है उसे बना लेने के बाद मैंने जो है कि चारों ओर 1.5 इंची का जो एंगल होता है उसे काट करके लगभग 1-1 फीट का मैंने क्या किया है कि जोड़ दिया है। उसके बाद दोस्तों, मैंने इसमें जो है कि आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से 1.5 इंची की पट्टी माथोमाथ जैसे जोड़ रहा हूँ और इसे एक छज्जा नुमा बनाऊँगा यहाँ पर, देखिए कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, ये पट्टी कैसे हमने मोड़ी है उसके बारे में तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, फिलहाल मैं यहाँ पर सेटिंग वटिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए बराबर दूरी नाप करके मैं जो है कि इसे कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसका हाइट जो है कि जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग 6 इंची, कुछ लोग 8 इंची, कुछ लोग 10 इंची, 1 फीट या फिर 1.5 फीट तक भी जैसे कि लोग रख लेते हैं, तो वो तो क्लाइंट के डिमांड के अनुसार है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए अगर कोई भी क्लाइंट आपको भी अगर फाइबर कसने का व्यवस्था अगर बनाने की बात करें तो आप लोग कुछ इस प्रकार से जो है कि जुगाड़ बना सकते हैं जिससे फाइबर कसा जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इधर का मैंने जो है कि पट्टी जोड़ दिया है जो तीखा वाला था, और देखिए उधर का भी जैसे मैं नाप करके अब उसे जोड़ रहा हूँ। दोस्तों, ये जो है कि जब आप लोग इसे जैसे कि पट्टी को जोड़ रहे हैं तो उससे पहले आप लोग होल इसमें जैसे कि मार देंगे तो फाइबर जो है कि इस पट्टी में ही कसा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ इसमें जो है कि मैं वाशर का प्रयोग करूँगा, मतलब बाहर से जब ये पट्टी लग जाएगी तो वाशर जोड़ूँगा। दोस्तों, मुझे वाशर इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों मैं इस समय जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ से मेरी दुकान दूर है और मैं साइट पर आया हूँ काम करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कि पट्टी मैंने पहले से भेज रखी थी तो यहाँ पर जैसे कि होल करने का व्यवस्था नहीं था, तो यहाँ पर जो है कि मैं पहले से ही प्लान बना रखा था कि चलिए जब मैं वहाँ पर बनाऊँगा तो उसमें वाशर जोड़ दूँगा ताकि जो है कि वाशर जैसे कि लग जाए तो फाइबर कसा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले पट्टी जो है कि मोड़ कर भी दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे उसे मोड़ा है, फिर इसके बाद आगे का कार्यक्रम मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे कि जितना लंबा मुझे पट्टी लगाना था तो यहाँ पर जैसे बीचों बीच एक मार्किंग मार करके यहाँ पर फिर इसके बाद दोस्तों मैंने इस डाई के जरिए दोस्तों मोड़ा। दोस्तों, ये जो लोहा मोड़ने वाला डाई होता है उसे अगर आप लोग हमारे वीडियो देखेंगे तो आप लोग देखे ही होंगे, वो अलग होता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं साइट पर आया था तो डाई लाना भूल गया था, तो यहाँ पर मिस्त्री जो छड़ सीधा करते हैं तो ये वो डाई था, उसी से दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए मोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ इसी प्रकार से जैसे कि मोड़ करके मिलाऊँगा। तो एक में दोस्तों 3 जो है कि इस तरह से तीखे पट्टी का प्रयोग करूँगा जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिला नहीं था तो अब मैं जैसे थोड़ा सा शुद्ध रूप में जैसे कि मोड़ करके मिलाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये लगभग मिल गया। तो दोस्तों, इस ओर और उस ओर आप लोग देख रहे हैं कि एक पट्टी लगी हुई है, और यहाँ पर देखिए अब मैं बीच में भी एक लगा रहा हूँ। ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो कि फाइबर का जो बैलेंस है दोस्तों वो बरकरार रहे, मतलब जैसे कि बीच में लपके ना उसके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब इसे भी बराबर दूरी नाप करके जो है कि मैं जोड़ दूंगा। दोस्तों, बीच में जो है कि आप लोग 3 पट्टी के जगह 4 पट्टी भी लगा सकते हैं, ये टेढ़ा वाला 5 पट्टी भी लगा सकते हैं, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आपका जो आंगन जाली है उसका साइज कितना है। अगर मान लीजिए कि छोटा रहेगा तो उसके लिए आप 2 या 3 पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो आप लोग 4-5 पट्टी भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे फाइबर को बीच में लपकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसे मैं मड़ई नुमा बना रहा हूँ। दोस्तों, ये जो बनता है
उसे आप लोग एक और पानी गिराने वाला भी बना सकते हैं, मतलब एक ही और आप लोग ढलान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्लाइंट का यहाँ पर ये डिमांड था कि भैया मेरा छज्जा की तरह बनाइए ताकि जो है कि इसमें जो है कि फाइबर कसा जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए वाशर अब जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सभी में जैसे कि एक एक वाशर जोड़ा जाएगा, तो अब दोस्तों क्या होगा कि इसी में जैसे कि फाइबर कसा जाएगा। दोस्तों अगर दुकान पर मैं ये कार्य करता तो वाशर नहीं जोड़ना पड़ता, मैं क्या करता कि इसी पट्टी में ही होल मार देता। लेकिन चूंकि जैसा कि मैं पहले बताऊँ कि मैं दुकान से दूर हूँ, इसीलिए दोस्तों मुझे इस तरह से कार्य करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, इसे जैसे मैं किलो पीछे जैसे कि करीब करीब 20-22 रुपये किलो पीछे मैं रख करके बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी किसी क्लाइंट का बनाएं तो इसी तरह से आप लोग भी जैसे कि अपना मजूरी रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग फाइबर रखने वाला जो व्यवस्था है कैसे बनाना है उसके बारे में समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे इसकी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।